हाय गाइस, दिस इज विक्रम सिंह चौहान एंड वेलकम टू माय चैनल विक्रम सिंह फिट प्रो। आज हम बात करेंगे अपनी बैक की। तो होता यह है कि बहुत सारे लोग अपने फोकस करते हैं अपने मिरर मसल्स पे और भूल जाते हैं अपनी बैक मसल्स को, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो लोग अपनी बैक मसल्स को ट्रेन नहीं करते उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना होता है, जैसे मसल इम्बैलेंस, सिमेट्री में प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपनी बैक को ओवरऑल ट्रेन करेंगे, अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे। तो गाइस, अभी हमारे यहाँ पे शुरू होता है वार्मअप। वार्मअप भाई 5 से 6 मिनट का लेना है। इसमें हम अपनी बैक, लोअर बैक, जॉइंट, शोल्डर पॉइंट सभी को हम वार्म करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे वर्कआउट में आने वाले हैवी सेट्स, हैवी वर्कआउट के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। तो हमें वार्मअप 5 से 6 मिनट का लेना ही होगा। ये एक प्रिपरेशन है जो हम अपने वर्कआउट से पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम अपनी लोअर बैक को भी वार्म करेंगे, क्योंकि वो वार्म करनी बहुत ज़रूरी है। तो ऑलराइट गाइस, जंप करते हैं हम अपनी बैक की पहली एक्सरसाइज, बेंड ओवर बारबेल रोज। इसके हमें 3 सेट लेने हैं, 10 से 12 रेपिटेशन, 1 से 2 मिनट का रेस्ट। बेंड ओवर बारबेल लगाते टाइम आप बेल्ट का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है 3-डाइमेंशनल चेस्ट को अचीव करने के लिए। ये हमारा तीसरा सेट। तो अभी हमारी शुरू होती है बैक की दूसरी एक्सरसाइज, लैट पुल डाउन विद वी अंडर लैट पुल डाउन। इसके भी हमें 3 सेट लेने हैं, 10 से 12 रेपिटेशन, 1 से 2 मिनट का रेस्ट। मसल और माइंड कनेक्शन के साथ लगानी है, बिल्कुल स्लो लगानी है। अब देख सकते हैं मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, बिल्कुल यही फॉर्म रखें तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो बारबेल को चेस्ट तक लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपनी नोज तक लेके आइए और फिर रिपीट। बिल्कुल स्लो करना है ये। तो अभी हमारा स्टार्ट हो गया वी हैंडल। अभी हम कर रहे हैं वी हैंडल लैट पुल डाउन। तो गाइस, वी हैंडल लैट पुल डाउन लगाते टाइम आपको नीचे अपनी नोज तक लेके आना है और उसके बाद ऊपर करना है स्ट्रेच, ताकि हमारी बैक ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच हो। देख सकते हैं आप मैं किस तरह से लगा रहा हूँ। तो अभी हमारा यहाँ पे शुरू होगा तीसरा सेट। तो गाइस, मसल और माइंड कनेक्शन होना ही चाहिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं जिम के अंदर। ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आप मसल्स गेन करने का। बिल्कुल स्लो लगाना है, हमें कहीं जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है। जिम में आए हैं तो जिम का टाइम हमें जिम को ही देना होगा। ये हमारा वी हैंडल। तो अभी हमारा बेंड ओवर क्लोज ग्रिप रोज। इसके अभी हमें 3 सेट लेने हैं, 10 से 12 रेपिटेशन, 1 से 2 मिनट का रेस्ट।
और गाइज इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेल्ट जरूर लगाएं। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये कि आप वेट को लिफ्ट या ड्रॉप करते समय यूज योर लेग स्ट्रेंथ, आप अपनी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को यूज ना करें। तो ये हमारा तीसरा सेट, मैंने आपको दो दो करके सेट दिखाए लेकिन आपको तीन तीन सेट लगाने हैं और रेस्ट आपको वर्कआउट के बीच में ही लेना है, 1 से 2 मिनट का रेस्ट। बिल्कुल अच्छी तरह से लगाना है, बिल्कुल माइंड और मसल और माइंड कनेक्शन के साथ। तो हमारी चौथी एक्सरसाइज न्यूट्रल ग्रिप केबल रोज विद लो रोप रोज, तो इसके भी हमें 3 सेट 10 to 12 repetition और 1 से 2 मिनट का रेस्ट। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अपने बैक के लिए। तो अब हम लगा रहे हैं लो रोप रोज, तो आप देखिए मैं किस तरीके से लगा रहा हूं। बिल्कुल स्ट्रेच देना है आपको नीचे, बिल्कुल स्ट्रेच देना आपको नीचे और फिर रिपीट। देख रहे हो आप मैं किस तरह से लगा रहा हूं। तो अभी हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गई है चौथी एक्सरसाइज जो कि है लैट पुश डाउन विद बेंड ओवर डंबल पुल अप। तो अभी आपको पता लग गया होगा कि हम किस पैटर्न से वर्कआउट लगा रहे थे। पहले हमने सिंगल लगाया था, फिर उसके बाद डबल लगाया था, फिर सिंगल लगाया था, फिर उसके बाद हमने दो दो करके डबल लगाए हैं। तो अब पैटर्न वर्कआउट का पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वर्कआउट का पैटर्न नहीं है तो आप जिम में जाकर टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो पैटर्न होना बहुत जरूरी है। आप अपना पैटर्न बना के आए आप घर से कि जिम में हमें जाके करना क्या है। अगर आप जिम में जाके सोचोगे कि आज मुझे करना ये है तो आप कभी अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाओगे। जो हमारा तीसरा सेट, और मैं आपको बता रहा हूँ मैंने सिर्फ आपको दो दो करके सेट दिखाए हैं, आपको तीन तीन लगाने हैं। रैप रेंज वही रहेगी हर सेट में, रेस्ट पीरियड भी वही रहेगा। और गाइस अगर आपके मसल्स फटीक होते हैं तीसरे सेट से पहुँचते पहुँचते और रैप रेंज कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप रेस्ट लेके भी अपनी रैप रेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। ये अपनी रैप रेंज को कंप्लीट करने का बहुत अच्छा तरीका है। जो हम बेंड ओवर डंबल लगाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें बेंच पे लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बेंच पे भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पे खत्म होता है वर्कआउट, तो अपने काफ लीजिए, अपने प्रोटीन लीजिए एंड गो होम एंड टेक रेस्ट।